धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इतने सारे वस्त्र हो गए हमारे, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे संभालें। आप ये सब रहने दो ना, ये सब संभालने के लिए हम दोनों हैं ना। हाँ जोधा बेगम, ये सारा काम हम कर लेंगे, आप अभी सिर्फ आराम कीजिए। परंतु हम विश्राम क्यों करें, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, ताकि आप सेहतमंद बनी रहें, इसलिए। जोधा बेगम। अरे रुकिए बेगम, आइए। ये सब वापस रखिए और जो कुछ कर रही हैं उसे फौरन बंद कीजिए। परंतु हुआ क्या है रुकिए बेगम? आइए हमारे साथ आइए। बैठिए। हुआ नहीं है, होने वाला है। आप माँ बनने वाली हैं। आपने हमें एक बच्चा देने का वादा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और इसी खुशी के साथ साथ हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। हम समझे नहीं। मतलब ये कि आपकी कोख में आपका ही नहीं, हमारा बच्चा भी पल रहा है। इसके साथ आपकी पूरी जिम्मेदारी हम पर आती है। होशियार, आज से तुम जोधा बेगम की खिदमत में रहोगे। हाँ। परंतु होशियार तो आपकी सेवा में, यदि यहाँ रहे तो आपको कठिनाइयाँ होंगी। नहीं जोधा बेगम, हमारे पास और भी बांदियाँ हैं, और उनमें से होशियार सबसे होशियार है, इसीलिए आज से आपकी खिदमत में रहेगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। जी। जोधा बेगम, एक और बात, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, समझी? मोतीबाई, आइंदा जोधा बेगम कुछ भी खाएं या पिए, उससे पहले इसकी जांच हम करेंगे, उसके बाद ही इन्हें देना। महामंगा ने जो बद्दुआ दी है, उसके बाद हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते। बेगम जोधा की कोख में आपकी औलादें पड़ रही है ना, हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे, तड़पेंगे आप जैसे हम तड़पे हैं। खैर जोधा बेगम, हम हकीमा साहिबा के पास जा रहे हैं, ताकि आपको क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए इन सब की जांच हम अच्छे से कर लें। चलते हैं। जी। आराम कीजिए। खुदा हाफिज। मोती। हाँ जोधा। मोती, हम महामंगा के विषय में तो भूल ही गए, तुम हकीमा साहिबा को उनके पास भेज दो, इस समय उन्हें उपचार की आवश्यकता है। परंतु जोधा, शहंशाह को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। हम जानते हैं, परंतु यदि उनका उपचार नहीं हुआ तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। महामंगा ने चाहे जो कुछ भी किया हो, परंतु हम मानव धर्म नहीं भूल सकते हैं। तुम हकीमा साहिबा को उनके पास भेज दो। ठीक है। ऐसा नहीं है आदा, हम मानते हैं कि हम कसूरवार हैं। हमने कहा था आपसे कि हम काबुल जाएंगे, तो हम आपके साथ जाएंगे ना काबुल। तभी नहीं जा सके तो अब जाएंगे, ठंड होगी काबुल में, तो वो है ना हमारी बांदी, वो गरम कपड़े रखेगी पिटारे में। हुजूर, ये है। देखिए, आपसे
कौन मिलने आया? हम आदम के साथ मशरूफ है, अभी नहीं बात करेंगे, जाओ यहाँ से। महम हुजूर, आपने मुझे पहचाना नहीं? वो कौन तुम और तुम जो भी हो, तुम्हारी ये इतनी हिम्मत कि बिना सलाम किए तुम हमारे सामने खड़ी हो, बदतमीज। भूल गई कि हम मुगल सल्तनत की वजीरे आलिया है, माँ मंगा नाम करो हमें। गुस्ताखी की मुआफी चाहती हूँ। आदाब, आपका हाल जानने ही के लिए मैं यहाँ आई थी। हाल? जोधा बेगम ने हमें यहाँ भेजा है आपकी तीमारदारी करने के लिए। बेगम जोधा ने भेजा है? क्यों भेजा है? ये देखने के लिए कि किस तरह से हम यहाँ सड़ सड़ के मर रहे हैं। बेगम जोधा के जासूस हैं हम। हुजूर, हुजूर, हुजूर। नहीं 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 नहीं, हकीमा साहिबा को हमने बुलाया है। क्यों बुलाया? हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की दवाई की जरूरत नहीं है, किसी के रहम की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, बेगम जोधा से कह दो हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं। जश्न की तैयारी शुरू करते हैं, हमारे मरने का जश्न। ऐसा नहीं है हुजूर, दवा ले लीजिए। जाओ यहाँ से। हुजूर ऐसा मत कीजिए, दवा ले लीजिए। तुम सौत की जड़ हो, तुम, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम हो गद्दार, बेगम जोधा के गुलाम बन गए हो तुम। पर भी भरोसा नहीं करेंगे? जाओ, जाकर उस राजवंशी बेगम जोधा के सामने तुम जाओ, जाओ यहाँ से। कह दो बेगम जोधा से, मरते दम तक ये मां मंगा किसी राजवंशी के खैरात नहीं लेगी। जाओ, जाओ यहाँ से। आदम, आदम, कहाँ हैं आप? हाँ, सुनो, अरे जोधा बेगम, ये क्या? हम बांधी हैं आपकी और आप हमें? जिससे सीखते हैं वो गुरु होता है, और गुरु तो सदा शिष्य के लिए सम्माननीय होता है। तुम हमें सिखा रही हो, इसलिए हम तुम्हें प्रणाम तो करेंगे ही। क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हैं आप हमें? चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ते हैं और जो भी भूल हो आप उसमें सुधार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहे रहमाने रहीम, अल्लाहो ला इलाहा इल्लाहो अल हय्युल कय्यूम लाता खिजोहु सिनातु वल्ला नौम लाहो माफित समाम। ये लहू माफित समावते, लहू माफित समावते। अरे वाह, बहुत अच्छे जोधा बेगम, आप तो बहुत जल्दी सीख रही हैं। धन्यवाद, नहीं नहीं शुक्रिया। रुकिएगा, पर ये क्या कर रही हैं आप? जहाँ पर भी हमें कठिनाई होती है उसका हल हम लिख लेते हैं, ताकि फिर से वो समस्या सामने ना आए। जोधा बेगम, हमें जिंदगी भर फख्र रहेगा कि आपने हमें अपना उस्ताद बनाया। क्या चल रहा है यहाँ? आइए शहंशाह बैठिए। Thank you.
कुरान शरीफ पढ़ रही थी। जी। जोधा बेगम अब जिस तेजी से इस्लाम और मुगल तहजीब के बारे में सीख रही हैं वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, हमें बहुत ही शीघ्र इसकी आवश्यकता भी पड़ने वाली है। क्यों, क्या आपको कोई इम्तिहान देना है? ऐसा ही समझ लीजिए शंजा, अपनी संतान को संस्कार देना माता के लिए परीक्षा देना जैसा ही तो होता है। हम मुगल संस्कृति और इस्लाम के विषय में अपने बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान देना चाहते हैं, और वो तभी दे पाएंगे जब हमें स्वयं इसकी समझ और सीख हो। आपकी सोच और आपकी मेहनत का जवाब नहीं है जोधा बेगम। वैसे शहंशाह, परिश्रम तो आपको भी करना पड़ेगा। हम इस्लाम सीख रहे हैं ताकि बच्चों को इसका प्रारंभिक ज्ञान दे सके, और आपको भी हिंदू संस्कृति सीखनी होगी ताकि आप बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान दे सके। मगर हम किंतु परंतु कुछ नहीं शहंशाह, अपनी संतानों को सिखाने के लिए आपको सीखना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन मकर्मफल हेतुर्भुर् माते संगोस्तव कर्मणि। हमारे बच्चों, ये पाक गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, और इसका मतलब है कि इंसान को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अंजाम काम के आगाज में ही छिपा होता है। आपने गीता का ज्ञान कहाँ से अर्जित किया? आपको क्या लगता है जोधा बेगम से आप ही सीखती हैं? जिस तरह आप अम्मी जान से, सलीमा बेगम से, जाकिरा से सीखती हैं, उसी तरह हम भी और मजहबों के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। रोडोमल साहब के साथ बैठकर, या मानसिंह के साथ बैठकर, या आगरा और मथुरा के जो पंडित हैं उनके साथ बैठकर हम बहुत कुछ जान लेते हैं। जोधा बेगम आप और हम एक मिसाल है, एक हिंदू और एक मुगल के रिश्ते के नूर का, और हमें बहुत फख्र है कि हमारे बच्चों को इन दोनों मजहबों की तालीम मिलेगी। वो हम दोनों के रिश्ते की एक मिसाल कायम करेंगे। रेशम जाओ यहाँ से, शहंशाह अंदर हैं, बाद में आना। क्या? प्रणाम शहंशाह। जोधा, आपको रेशम को समझाना होगा, वो हर बार यहाँ नहीं आ सकता। यदि शहंशाह देख लेते तो बहुत क्रोधित होते। क्या कहा रेशम खान ने? जोधा, आपकी सहेली होने के नाते एक सलाह देती हूँ, इन सबसे दूर रहिए। मोती, हमें बताओ रेशम खान ने क्या कहा, और तुमने हकीमा साहिबा को भेजा था महामंगा जी के पास? हाँ, परंतु हकीमा साहिबा की सहायता लेने से उन्होंने मना कर दिया। ये ठीक नहीं हो रहा है। कहाँ जा रही हो जोधा? मोती, हम अभी आते हैं। नहीं जोधा, यदि रुकैया बेगम इस बीच आ गई तो वह हम पर बहुत क्रोधित होंगी, और शहंशाह को पता चला तो वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मोती, हम अभी लौट कर आते हैं। जोधा, हम भी आपके साथ चलते हैं, इस भांति हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अधम अधम अधम, आप जब पैदा हुए थे ना अधम, बहुत नाचे थे। कितने खुश थे हम। आपको पता है आपका नाम आदम हमने रखा था। आदम, हमारा बेटा, जैसे आप हमारी जिंदगी में आए, जैसे आप पैदा हुए, हमें लगा जैसे हम मल्लिका बन गए, मल्लिका आजम। सच कह रहे हैं जोधा, हम अब भी कह रहे हैं, चलिए यहाँ से। और पता है हमने आपको, बेगम साहिबा, आप देख रही हैं ना इनकी हालत, ये वही महामंगा है जिनसे एक वक्त पूरा आगरा कांपता था, और आज न खाती हैं न पीती हैं,
अब तो हमें इन पर तरस आता है। तुम लोग बाहर जाओ। जोधा, महामंगा जी, देखिए आपने कब से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। ऐसे कैसे चलेगा, यदि आप कुछ खाएंगे नहीं तो औषधि अपना प्रभाव कैसे दिखाएंगी। बहुत परवाह है आपको हमारी, सबको आपकी चिंता है। अच्छा, तो आप यहाँ हमारे लिए फिक्र जताने आई है या ये जताने आई है कि देखो महामंगा कैसे अब बेगम जोधा के रहम की मोहताज हो गई है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? चुप! बेगम साहिबा, हमने कहा था ना यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है इनके पास। ए बंदी, समझा इस शहजादी को, ना हमें इनकी जरूरत है और ना हम इनके रहम और करम के मोहताज हैं। समझाओ इस औरत को कि ये हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक राजवंशी है और हम मुगल। इस औरत से कहना कि ये अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम मां मंगाए, हमसे मिलने के लिए दोबारा यहां ना आए। जाओ यहां से। जोधा चलिए यहां से, हमने कहा चलिए। चलिए जोधा, जाओ। हुजूर, आपने ऐसा क्यों किया? हुजूर, मैंने मना किया था ना आपको वहां जाने से, पर आप तो मानती ही नहीं। अब देख लिया ना कि महामंगा कभी नहीं सुधर सकती है, और अब तो मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं वो अपना। वैसे अच्छा हुआ उनके साथ भगवान ने उनके अपराधों का दंड दे दिया उन्हें। देखना जोधा, बड़े कष्टों से मरेगी। छी मोती, किसी के बारे में इतना अशुभ नहीं सोचते हैं। सामने वाला जो भी व्यवहार रखे, जो भी करे, परंतु यदि हम भी उनके जैसा व्यवहार करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हे भगवान शहंशाह, मोती तुम उन्हें कुछ कहना मत। हम क्यों उनसे कुछ कहेंगे, वो आपकी अवस्था देख के स्वयं ही आपसे पूछ लेंगे, आप संभाल लेना। कहाँ जा रही हैं आप जोधा बेगम? क्या हुआ ये? किसने किया ये सब? क्या हुआ ये? किसने किया ये सब? अरे जोधा बेगम, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप अपने होजरे में नहीं थी। हमने आपसे कहा था ना कि आप अपने होजरे से बाहर नहीं निकलेंगी, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गई? मोतीबाई, या खुदा, ये चोट कैसे लगी आपको? ये तो मुझसे पूछ रहे लेकिन ये बता नहीं रही। बताइए हमें जोधा बेगम, क्या हुआ ये, किसने किया ये? वो
ओ शहंशाह, हम रसोई घर में गए थे तो गलती से एक पात्र हमारे हाथ से गिर गया और उसी वजह से हमारे ये सारी गलती तुम्हारी है मोती। तुमने इन्हें जाने क्यों दिया? इसमें मोती का कोई दोष नहीं है। मोती ने तो हमें रोका था, परंतु हम ही गलती नहीं की है जोधा बेगम। जब ये जानती हैं कि आप जिद्दी हैं, तो इन्हें आपकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। इन्हें जो भी बात थी रुकैया बेगम को बताना चाहिए था। और रुकैया बेगम, ध्यान रहे कि जोधा बेगम अपने होजरे से बाहर ना जाएं। अगर इस तरह से बाहर घूमेंगी फिरेंगी तो फिर ये खुद को या फिर हमारे होने वाले बच्चों को चोट पहुंचा देंगी। पाना की मां साहिबा को बुलवा कर इनके जख्म में मरहम लगवाए आप। जी शहंशाह। चलिए जोधा बेगम, चलिए। जी। आज तो बाल बाल बच गए जोधा। हमें तो लगा था कि शहंशाह को सब पता चल जाएगा। हमें बुरा इस बात का लग रहा है मोती कि हमने शहंशाह को झूठ बोला। आज के पश्चात हम कभी शहंशाह को झूठ नहीं बोलेंगे। आज भी नहीं बोलते, बस महामंगा जी के विषय में सोचकर शांत हो गए। आप किसकी परवाह कर रही है जोधा बेगम? वो महामंगा की जिसने आपकी जिंदगी में कांटे बिछाए, वो महामंगा जिसने आपकी औलाद को कोसा। उन्होंने भूले की है, परंतु हम भी ऐसे ही करें ये उचित नहीं ना। छोटी अम्मी जान, छोटी अम्मी जान, छोटी अम्मी जान, आप तैयार क्यों हो रही है? छोटी अम्मी जान कहीं जा रही है क्या? नहीं खाने खाना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो हमारे वस्त्र मैले हो गए थे ना, इसलिए स्नान कर लिया। छी, आप सुबह नहाती नहीं हो। आप इधर आइए हमारे पास। हमारी छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने कक्ष में सोना चाहिए। नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा, पर आप बहुत खूबसूरत दिख रही है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद खाने खाना। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ खेलना होगा। चलिए ना हमारे साथ अंगुली बाग में। नहीं रहीम, ये समय बाहर खेलने का थोड़ी ना है। जब आप इस वक्त ना सकती है तब हमारे साथ खेल क्यों नहीं सकते? ऐसा है रहीम, सलीमा बेगम आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी ना। ठीक है, आपको हमारे साथ नहीं खेलना ना, तो मत खेलिए, पर बहाने मत बनाइए। अरे हम बहाने थोड़ी ना बना रहे, हम तो सोचे थे अभी आपको विश्राम करना चाहिए। ठीक है तो हम जा रहे। रहीम, ये हमारे कान्हा का मोरपंख है, तुम्हें उतारा क्यों? हमें पता है कि ये कान्हा का मोरपंख है, अगर ये चाहिए तो पकड़ के दिखाइए। अरे रुकिए, रहीम रुकिए, हमारी बात सुनिए। रहीम, हमें पकड़ के दिखाइए, हमें पकड़ के दिखाइए। खाने खाना हमारा मोरपंख दीजिए। कहाँ छुपाओ, कहाँ छुपाओ? रहीम, रहीम कितना दौड़ा रहे हैं आप हमें, अब हम थक गए, जल्दी से हमारा मोरपंख दो। जब तक हमें पकड़ोगी नहीं तब तक हम आपको मोरपंख नहीं देंगे। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ लिया, चलो अब तो आपने हमें बहुत दौड़ा लिया, चलिए अब जल्दी से हमारे कान्हा का मोरपंख दे दीजिए। हमें नहीं पता है। अभी तो आपने हमसे कहा था कि यदि हमने आपको पकड़ा तो मोरपंख दे देंगे। रहीम जल्दी से मोरपंख दो। आदाब बेगम साहिबा। रहीम, सलीमा बेगम आपको ढूंढ रही हैं और गुस्सा भी है। हम तो उनके पास ही आ रहे थे।
छोटी अम्मी जान ने बातचीत करने के लिए रोक लिया। क्या बहुत शरारती हो गए तुम आजकल। ये रही बीना, हमारा मोर पंख कहाँ रख दिया है इन्होंने? मिल गया हमारा मोर पंख। ये तो हुमायूं नामा है। इसमें महामंगा जी के विषय में क्या लिखा है? महामंगा जलाल की दाई माँ, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई बार जलाल की रक्षा की। अरे जोधा बेगम, आप यहाँ आइए, तशरीफ रखिए। जी धन्यवाद। गोपी जान, हम क्षमा चाहते हैं। वो रहीम हमारे कान्हा का मोरपंख लेकर यहाँ पर आए और हम भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आ गए। हमने रहीम को यहाँ से जाते हुए देखा। बहुत परेशान करते हैं ना आपको? अरे नहीं नहीं, ये तो बचपन के खेल हैं। वैसे फूफी जान, हमारी दृष्टि आपकी लिखी हुई हुमायूं नामे पे पड़ी और जितनी इस भाषा की हमें समझ है, हमने जो पढ़ा हमें विश्वास नहीं हो रहा है। आपने इसमें यही लिखा है ना कि महामंगा जी ने कई बार अपने प्राणों की रक्षा किए बिना शहंशाह के प्राण बचाए? ये सच है जोधा बेगम, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। कितनी बार महामंगा जलाल की ढाल बनी है, और आज देखिए दोनों का रिश्ता किस कदर कड़वाहट से भर गया है। माहम के रहते कोई खतरा जलाल को छू भी नहीं सकता था। माहम ने अपने बेटे अदम खान की फिक्र ना करते हुए जलाल को एक माँ बनकर पाला। लेकिन वो कहते हैं ना, एक गुनाह 100 सबाबों पर भारी पड़ता है। माहम के साथ भी यही हुआ। अदम की वजह से उन्होंने कितनी गलतियां की, और आज देखिए। खैर, शायद माहम की किस्मत में यही लिखा था। अधम की मोहब्बत में उन्होंने उस जलाल को खो दिया जिस जलाल से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। आदाब भाईजान। अच्छा लगा देखकर कि आप खुश हैं। ये सब हमारे भाईचान की वजह से हुआ है। हम बस यहाँ आपसे आपकी खैर पूछने आए थे और अपनी भांजी से मिलने आए थे। जब तक दिन में एक बार इन्हें देख नहीं लेते हमारा मन नहीं लगता। खैर, हम कुछ लाए हमारी भांजी के लिए, उम्मीद कर रहे हैं इन्हें पसंद आएगा। ये देखिए, हम अपनी भांजी के लिए झुंझुना लेकर आए हैं। हमने सुना है कि झुंझुने बच्चों को अच्छे लगते हैं। लगता है इसे पसंद नहीं आया। हो सकता है कि जो चीज सबको पसंद आती हो वो इसे ना पसंद आए। बिल्कुल आप पर गई है ये। हम पर नहीं, अपने वालिद साहब पर गई है। वो भी हो सकता है। चलिए, अगर आपको ये तोहफा पसंद नहीं आया लेकिन आपके मामू जान तो पसंद हैं। आपके मामू जान की तरफ देखिए माताब। अपने मामू जान की तरफ देखो माताब। हमारे किसी भी आवाज पर कोई हरकत नहीं कर रही, तबीयत तो ठीक है इसकी? भाईजान, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ बात तो है। फौरन हकीमा साहिबा को बुलाया जाए। नब्ज तो ठीक है, बुखार भी नहीं है।
मगर बड़ी अजीब बात है, आवाज सुनकर भी कोई हरकत नहीं करती। दिन के इस वक्त तो बच्चे कुछ ज्यादा ही हरकत में रहते हैं। महताब, महताब। अकीमा साहब, सब कुछ ठीक तो है? समझ में नहीं आ रहा, मगर लगता है मुश्किल है कुछ सुनने में। इसे आवाज इसके कानों तक नहीं पहुंच रही। ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं हुआ इससे, हमारी बच्ची एकदम दुरुस्त है। अब फिक्र मत करिए बख्शी, हमारे पास आला हकीमों की फौज, अगर कोई मुश्किल होगी भी तो उसका हल निकाल लिया जाएगा। हकीमा साहिबा, आप फौरन कुछ करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी शहंशाह। हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे। हकीमा साहिब, चाहे कहीं से कोई भी दवा को लाना पड़े उसे लाया जाएगा, चाहे किसी भी हकीम साहब को लाना पड़े बुलाएं, लेकिन इसके इलाज में कोई कोताही भी नहीं बरती जानी चाहिए। भाईजान, हमारी बच्ची। फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम, बस कुछ देर और। रुक है बेगम, हमें लगता है इतना पर्याप्त है। बैठिए जोधा बेगम, ये बात पीर समझते हैं, हम नहीं। परंतु आपको इतनी चिंता किस बात की है? आप चुपचाप बैठिए जोधा बेगम, ये सब आप ही के लिए जरूरी है। रुकिया बेगम, देखिए हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और आप किस बात का इतना भय कर रही हैं? ना हमें कुछ होगा ना हमारी संतान को। हाँ जोधा बेगम, जितना असर दुआओं में होता है उतना ही असर बद्दुआओं में भी होता है, क्योंकि दोनों दिल से निकलती हैं। महामंगा की बद्दुआ की शिकार बख्शीबानों की बेटी हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद पर कोई भी खतरा आए। सुनिए आप लोग, अपना काम जारी रखिए, पूरे होजरे में लोबान जाना चाहिए ताकि कोई भी काला साया आस पास भटक भी ना पाए। जाइए, फिक्र मत कीजिए जोधा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहां से, जाओ। हकीमा साहिबा, ऐसी तबीयत है उनकी, ना तो कुछ खाती हैं, ना ही दवा ले रही हैं। कैसी तबीयत हो सकती है, तुम खुद ही सोच लो ना। कितने दिन और बचे हैं? यही हाल रहा तो एक दो दिन बस। बेगम साहिबा। क्या हुआ रेशम खान? हुजूर, मां मंगा वो ठीक नहीं है हुजूर। भगवान के लिए ऐसा मत करो रेशम खान। मां मंगा जी कैसी हैं? कुछ खाया उन्होंने? नहीं, एक बात जान लीजिए जोधा बेगम, अगर मां मंगा इसी तरह से अपनी जिद पर अड़ी रही तो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं बस। क्योंकि किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जिंदगी से दिलचस्पी होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, जिंदगी से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन लगता है आदम खान के साथ साथ महामंगा की जिंदगी जीने की चाह भी चली गई। आप कुछ कर सकती हैं? हमें खौफ है कि दवा भी कोई असर नहीं कर रही है, बस दुआ कीजिए शायद कल परसों या कुछ दिन और रह पाए। हम अपने खुदा से दुआ करेंगे, आप अपने खुदा से दुआ कीजिए, बस यही किया जा सकता है। बेगम साहिबा,
सुना है आपने हकीमा साहिबा ने क्या कहा? कितनी बार महामंगा जलाल की ढाल बनी है। महम के रहते कोई खतरा जलाल को छू भी नहीं सकता था। महम ने अपने बेटे आदम खान की फिक्र ना करते हुए जलाल को एक माँ बनकर पाला। रेशम खान, हम कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप जाइए और महामंगा जी का ध्यान रखिए। सहायता करो, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कोई मार्ग दिखाओ हमें। जानते हैं जोधा बेग, कि आपको महामंगा की बद्दुआओं का खौफ है कि कहीं उनकी बद्दुआओं का असर हमारे बच्चों पर ना हो, और इसलिए आप अपने दिल के सुकून के लिए दुआ करना चाहती हैं। आप दुआ कर सकती हैं। हम बस आपको यह कहना चाहेंगे, किसी की भी बद्दुआओं से ना हमारे बच्चों का कुछ बिगड़ेगा पर ना ही हमारा। हम महामंगा के श्राप से भयभीत होकर ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे थे शहंशाह, बल्कि हम तो स्वयं महामंगा जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर उन्हें मानसिक शांति प्रदान करे और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। हम मानते हैं आपके दिल में बहुत रहम है जोधा बेगम, और आप जो कर रही थी हम वैसा करने से आपको रोकेंगे भी नहीं, लेकिन बस इतनी सी दरख्वास्त है कि महामंगा के मुतालिक आइंदा कभी हमसे बात ना करें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शहंशाह? याद कीजिए, कभी आप उन्हें अपनी बड़ी अम्मी जान कहा करते थे। और अफसोस उसी बात का है कि ता उम्र हम उसी गलत फहमी में रहे। अगर उनके दिल में हमारे लिए जरा से भी मोहब्बत होती जोधा बेगम, तो वो आज हमारे होने वाले बच्चों को बदवा नहीं देती। आज उनकी जो भी हालत है, वो जहां भी है, वो सब उनकी कारसाजियों की वजह से है। अल्लाह सब देखता है जोधा बेगम। खैर, अब जो कर रही थी उसे कर सकती हैं। कर सकते हैं रेशम, जब आखिरी बार हम अम्मी जान से मिलने गए थे, उन्होंने हमसे वादा लिया कि हम उनसे कभी मिलने नहीं जाएंगे। ऐसे में हम उनकी कैसे मदद करेंगे? तुम्हें मालूम है, एक समय पे महामंगा जिंदगी के जुनून का दूसरा नाम थी, और आज हमारी अम्मी जान में जीने की कोई चाह नहीं बची है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जावेदा बेगम। हमें से कोई भी महामंगा जी की ये अवस्था नहीं देख सकता है। रेशम खान, अब भोजन की थाली तैयार कीजिए। लेकिन हुजूर, उन्होंने इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं छोड़ा है।
उन्हें भोजन करना ही होगा। दिल्ली की गद्दी तो आप ही को मिलेगी ना आदा। महामंगा जी, कैसी औरत है ये? जिद्दी कही कि हजार बार मना किया, यहाँ मत आ, फिर भी आ जाती है। चाहो हम आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते। ये क्या बकवास है? बोले से ये भोजन है आपके लिए और आज आपको खाना ही होगा। खाना होगा? अभी तक वो दिन नहीं आया बेगम जोधा कि बेगम जोधा ने जबरदस्ती की और महामंगा ने खाना खा लिया। खाना नहीं खाएंगे हम कभी नहीं। भोजन कर लीजिए महामंगा जी। कर ली कोशिश हा? देख लिया, देखा ना? तो जा, दफा हो जा यहां से, जा। इन सब का कोई लाभ नहीं है महामंगा जी, आपको भोजन करना ही होगा। देखते हैं आप और कितनी थालियां फेंकती हैं। बेगम जोधा, आप खाना मंगवाते मंगवाते थक जाएंगी, लेकिन महामंगा थालियां फेंकते फेंकते नहीं थकेंगी। देखना है, देख। महामंगा जी, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पुत्र के लिए खाना खा लीजिए। अपनी जबान से हमारे बेटे आदम खान का नाम मत लेना। आदम अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम मत ले। क्षमा कीजिएगा परंतु आपकी जानकारी अधूरी है। इस संसार में आपका पुत्र आदम खान दोबारा आने वाला है। फिर बकवास बकवास कर। आपको सब पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रुकिए, जावेदा बेगम। जावेदा, महामंगा जी, आदम खान जी के पुत्र, उनके अंश, आपके पोते। जावेदा बेगम की कोख में पल रहे हैं।